जिस तरह से सदन की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, इस तानाशाही सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, सवालों से आप भागते हो, कब करेंगे सवाल? क्या घर में जाके सवाल करेंगे आपसे? क्यों आप संसद के अंदर सवालों से भागते हो आप? ये सांसद नरेंद्र मोदी जी की क्या अपनी प्रॉपर्टी है? हर चीज को हमेशा डिवाइड करने का, भटकाने का काम अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तमाम सवाल है, उनसे भागने का काम कोई करता है तो ये बीजेपी करती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को जन्म दे रही है देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश में, मोदी और शाह की दिक्कत ये है, जब जब वो डरता है पुलिस को आगे कर देता है। रमेश बिधूरी को आपने बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपने स्मृति ईरानी की बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपने बृजभूषण सिंह को बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपके लिए जेल कम पड़ जाएंगे अमित शाह, आपके लिए जेल कम पड़ जाएंगे। क्यों तानाशाही पे उतरी मोदी सरकार डर चुकी है। अगली बार भी अपनी ही सरकार बनाएंगे। 2024 में देखना यही होगा, जो रोड पे खड़े हुए यही सरकार को कार फेंकेंगे 2024 में। यहाँ भाई प्राण निकलने ज्यादा बदतर जिंदगी है। जब हम अपने ही देश में निकल नहीं पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, शासन प्रशासन हमको धक्का देगा। टोटली तानाशाही चल रहा है लोकसभा से अंदर से लेकर बाहर तक। नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से 151 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है, विपक्ष के 151 सांसद बर्खास्त हो गए हैं, उसी को लेकर यहाँ पे आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। सीधे तौर पर हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी इनके हाथ में काले बलून भी थे, उसको लेकर भी प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार यहाँ पे लोग बने हुए हैं, प्रदर्शन जारी है इनका, पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग आगे जाने के उसमें है और बैरिकेड पर चढ़ गए थे। अभी एक महिला भी बैरिकेड पर चढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन जारी है और लगातार गद्दी छोड़ो के नारे लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर रोजगार नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ो। क्यों नारे लगाए जा रहे हैं? रोजगार नहीं दे सकते तो गद्दी छोड़ो। देखिए जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी को सस्पेंडेड कर दिया गया क्यों? क्या ये सांसद नरेंद्र मोदी जी की क्या अपनी प्रॉपर्टी है? ये संसद भवन में सवाल करना हमारा अधिकार नहीं है? कह रहे हैं ना कुर्सी का अपमान करेंगे तो इसी तरीके से बर्खास्त करेंगे। आप बताइए, सवालों से आप भागते हो, कब करेंगे सवाल? क्या घर में जाके सवाल करेंगे आपसे? क्यों आप संसद के अंदर सवालों से भागते हो आप बताइए? देखिए युवाओं की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते और आज ये देश गरीबी की आग में जल रहा है, क्यों बताइए क्यों? और जब सांसद इनसे सवाल करते हैं कि भारत आपके बीजेपी के सांसद के बनाए हुए पास से वो लोग अंदर गए, और सोचिए उसी दिन ये ऐसा काम करने की क्यों जरूरत पड़ गई? मैं पूछना चाहता हूँ, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है तो पुलिस को अपना काम ही ना करे। अब जब जब मोदी डरता यही नारे लगा रहे हैं। देखिए क्या पुलिस अपना काम कर रही है बताइए? आप लोग ऐसे बैरिकेड पर चढ़ेंगे तो रोका जाएगा ना आप लोगों को? देखिए संविधान के तहत हमें आंदोलन करने का अधिकार है या नहीं बताइए? 140 से ज्यादा सांसद को सस्पेंड कर दिया गया है। राजीव गांधी के समय में नहीं हुआ था क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं होता था। याद सांसद बर्खास्त हुए। मैं बताता हूँ, लोकतंत्र का चीर हरण कर रखा है आज नरेंद्र मोदी जी ने। ये भारतीय इतिहास में पहली बार है कि 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आप बताइए अगर लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हमें प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा बताइए आप? ना महंगाई की बात करते, ना बेरोजगारी की बात करते, ना युवाओं की बात करते। 17 साल में उनको अग्निवीर योजना पकड़ा रहे हो आप, 4 साल के बाद उनको रिटायर कर दोगे आप बताइए? तमाम लोग कह रहे हैं कि जो लोग संसद में घुसे थे रोजगार का मुद्दा लेके, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हर चीज को हमेशा डिवाइड करने का, भटकाने का काम अगर कोई करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि जांच चल रही है, पुलवामा जो अटैक हुआ उसकी जांच कंप्लीट हुई आज तक बताइए आप? शहीदों के नाम पर आप वोट मांगते हो आप बताइए आप? मैं पूछना चाहता हूँ, इतना पैसा इधर उससे उधर करते हैं ये लोग बताइए आप? आज अडानी 609 नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा ये बताइए? हमारे हमारे जवानों को
बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं मिल सकती? तो ये तमाम सवाल है, उनसे भागने का काम कोई करता है तो ये बीजेपी करती है। क्या कहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को जन्म दे रही है देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश में, उसी तरह से आज तमाम युवा जग गया है इस तानाशाही के खिलाफ संसद घेराव के माध्यम से। संसद घेराव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जगाने का काम हम जैसे युवा करेंगे। लेकिन मोदी और शाह की दिक्कत यह है, जब जब वो डरता है पुलिस को आगे कर देता है, लेकिन पुलिस की भावनाओं को भी समझने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। पुलिस तो भी कमेटी समाज से आता है, पुलिस तो भी किसान समुदाय से आता है, पुलिस को सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन फ्रंट वॉरियर के रूप में काम करते हैं। संसद में इस तरीके का व्यवहार करा जाएगा तो बर्खास्त करे जाएंगे। मैं कहता हूँ बिल्कुल करो। रमेश बिधूरी को आपने बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपने स्मृति ईरानी की बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपने बृजभूषण सिंह को बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपने कुलदीप सेंगर की बर्खास्त की क्यों नहीं किया? आपको मैं पूछना चाहता हूं, मैम ये कहना चाहता हूं, जिस तरह से सदन की गरिमा को धूमिल किया जा रहा है, इस तानाशाही सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आपके लिए जेल कम पड़ जाएंगे अमित शाह, आपके लिए जेल कम पड़ जाएंगे। ये सारे युवा जेल भरो आंदोलन के माध्यम से जेल में जाने का काम करेगा, लेकिन देश की तानाशाही से समझौता बिल्कुल नहीं। जिन सांसदों को बर्खास्त किया गया था उनके समर्थन में आप लोग सड़कों पे उतरे, वो सांसद कहाँ हैं जो बर्खास्त किए गए थे? सुनिए, सांसदों को बर्खास्ती करने का मतलब, आज 15 करोड़ मतदाता के रूप में हम जैसे युवा आए हैं, सांसदों के आने की जरूरत नहीं है। अब युवा जाग गया है देश का, अब युवा जाग गया है देश का। हम रोजगार की बात करेंगे, हम लोकतंत्र की बात करेंगे, हम संविधान बहाल की बात करेंगे। जाग गया है रोजगार के मुद्दे को लेकर, वो ऐसे संसद में घुस जाएंगे क्या? सुनिए, जो संसद में घुसा उसी को तो मांग कर रहे थे हम लोग। हमारे जो नेता थे वो क्या मांग कर रहे थे? सुरक्षा की मांग कर रहे थे। गलत तरीके से संसद में घुसना कहाँ तक सही है? वही कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। सुनिए, इसी बात को सवाल कर रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे कांग्रेस पार्टी समर्थन को सवाल। सुनिए, कांग्रेस जिसके अंदर देश का सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, वो ही सुरक्षित नहीं है। बेरोजगार अपना रोजगार मांगने तो हम लोग कैसे सुरक्षित हो पाएंगे? महिलाएं कैसे सुरक्षित हो पाएंगी? युवा कैसे सुरक्षित हो पाएगा? बेरोजगार युवा, बेरोजगार लड़कियां, आज आखिर उनको ऐसी नौबत क्यों आई जो पार्लियामेंट के अंदर उनको रोजगार मांगने जाना पड़ा? पीएचडी वाले, फाइनल वाले, टेंथ वाले, ट्वेल्थ वाले, आज हजारों की तादाद के अंदर युवा यहाँ पर अपना रोजगार मांगने के लिए क्यों तानाशाही पर उतरी मोदी सरकार? मोदी सरकार डर चुकी है, उसको मालूम है। आप ही के राहुल गांधी की एक वीडियो आई है कि एक सांसद मिमिक्री कर रहा है, वहाँ राहुल गांधी खड़े होके वीडियो बना रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? मिमिक्री वो हो गया मुद्दा, वो मुद्दा नहीं हुआ। 141 सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, वो मुद्दा नहीं है इस देश के लिए। वो मिमिक्री का मुद्दा हो सकता है क्या? लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती आप लोगों को? राष्ट्रपति की मिमिक्री कर रहे हैं, वो वीडियो बनाएंगे ऐसे? राहुल गांधी जी कर रहे हैं क्या? वीडियो तो बना रहे हैं ना। गलत नीति, मिमिक्री गलत नीति, उसी सदन के लोग हैं, वो अपने लोगों से हंसी मजाक कर सकते हैं, क्या गलत था? वो 141 को ला करके उपराष्ट्रपति की करेंगे क्या? उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करेंगे? तो सांसदों को सस्पेंड करके वो लोकतंत्र की हत्या नहीं दिखती क्या? राजीव गांधी के समय में सांसद सस्पेंड नहीं हुए थे क्या? बात बताओ, 4 लोग संसद में घुस जाते हैं और इस मैक को लेकर घुस जाते हैं, कितनी बड़ी सुरक्षा होती है? उस सुरक्षा का झुंझुना मचा रहे थे मोदी सरकार। वो मुद्दा नहीं दिखता उस मीडिया को, वो मुद्दा नहीं दिखती क्या मीडिया को? कहाँ से गया इस मैक? इसमें कहां से गया? 4 पद सुरक्षा की होती है जाँच, घुरका पुआ चल रहा है क्या? उस सांसद को तो कोई पूछने नहीं जाता, वो क्या है? उसका मीडिया सवाल नहीं उठाता? सांसद कहाँ है? आप उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे हुए, वो 151 जो सांसद सस्पेंड किए गए, वो लोग कहाँ हैं? भाजपा के सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई जिसके पास से वो लोग अंदर घुसे? लोकसभा के बाहर खड़े होकर विरोध कर रहे हैं, आपने नहीं देखा उनको? आप कहाँ थी उस टाइम? वो भी तो विरोध कर रहे हैं। आप टोटली तानाशाही चल रहा है लोकसभा से अंदर से लेकर बाहर तक। लोकसभा में अंदर सवाल पूछे जाएंगे तो वहां से सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाहर जो बाहर सवाल पूछेंगे तो पुलिस को खड़ा कर दिया जाएगा। ये देश से बहुत गलत अध्याय। आप लोगों को तो आने आगे तक जाने ही नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड पर चढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से लाठी चार्ज किया जा रहा है। और क्या आता है इन लोगों पर? पुलिस को आगे कर देते हैं। सवाल का सामना करो ना युवाओं का, क्यों नहीं करते ये लोग सामना? उनके सवालों का सामना करो, उनके बातों का सामना करो, पुलिस को आगे क्यों करते हैं? संसद में सवाल पूछते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ आके पूछते हैं तो पुलिस को खड़ा कर दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? आप लोग मोदी को हिटलर से कंपेयर कर रहे हैं कि हिटलर की तरह तानाशाह सरकार चला रहे हैं वो क्या? तो हिटलर से बढ़िया कौन सा और लगे? हिटलर ही तो, हिटलर किसी तानाशाही नहीं है। किसी सवाल पूछा जाता है उसको दबाया जाता है। अपनी पार्टी में ही तानाशाही चल रही है, जो ज्यादा बोलता है उसे बाहर देश के खिलाफ पूछो,
तो उसको बाहर, कहीं भी कोई सवाल पूछो तो टोटली तानाशाही संगठन से लेकर खुद अपने इस देश को एक गलत अध्याय की ओर ले जाया जा रहा है। देश बहुत बड़ी हानि की ओर जा रहा है मैम, समय हो से चेतना पड़ेगा, मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब अगर ऐसे ही चलता रहा तो तानाशाही बढ़ती ही चली जाएगी क्या मैम? अगर ऐसे ही चलता रहा, मोदी सरकार तो कह रही है कि अगली बार भी अपनी ही सरकार बनाएंगे। 2024 में देखना यही होगा, जो रोड पे खड़े हुए यही सरकार को खार फेंकेंगे 2024 में। ये तानाशाही चल रही है, देख लो आप पीछे कैमरा मैन, पीछे घुमा कर देखो। टोटली तानाशाही है मैम। क्या कहेंगे मैम, आप यहाँ पे समर्थन के लिए उतरी हैं कांग्रेस पार्टी के? करते रहे बेटे। हाँ, आपको पता है क्या किस मामले में समर्थन? हाँ, ये इतनी महंगवाड़ा कर रखा बेटा, किसके बालक है ये बता? सारे बालक बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। कोई फांसी खा रहा, कोई गोली खा रहा, बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो रहे। जब कमाएंगे नहीं तो अपनी लड़कियाँ कौन देंगे ये बताओ? बच्चा के लिए पढ़ाई चाहिए, 1200 रुपए का सिलेंडर है ये बताओ? अगर 1200 रुपए बंदा कमा के लाता वो सिलेंडर भरवाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा ये बताओ? हाँ। या रसोई का खर्चा करेगा? हाँ। किसी चीज का नहीं कर सकता। रोजगार नहीं मिल रहा है क्या भाजपा की सरकार? नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। बच्चे इतने पढ़े पढ़े मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, हैं? ये बोतलें चुगते हैं, क्या नहीं करते? बच्चे भूखे मरते, फांसियां खा रहे हैं बच्चे, हैं? बता बच्चे क्या करें? जब बच्चे को रोजगार नहीं मिलेगा ये बताओ बेटा, अपनी बेटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। रोजगार है तो बेटी है। अरे ये बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बता बेटी कौन सी कहाँ से बच रही है? बेटियों को तो अकेले जाने का इतना भी नहीं है, यहाँ तक अकेली चली जाए। तो भाजपा की सरकार में महिला तक सुरक्षित नहीं है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, महंगाई भी आसमान छू रही है। तो भाजपा ने करके दिया ये बताओ? क्या कर दिया? बस राशन फ्री दे दिया, उससे पेट भर जाएगा ये बताओ? क्या नहीं चाहिए? अगर बेटा, अगर वो गेहूँ राशन दे रहे हैं फ्री में, उनके साथ टमाटर चाहिए, मिर्च चाहिए, क्या नहीं चाहिए? चाहिए ना? लगातार यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पुलिस वालों के साथ हाथापाई कर रहे हैं ये लोग। पुलिस वाले इन्हें आगे तक नहीं जाने दे रहे हैं, बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं तो उन्हें आगे तक जाने नहीं दिया जा रहा है। आप यहाँ पे सीधे तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं, लोग बैरिकेड पे चढ़ गए, किस तरीके से पुलिस वालों ने रोका जा रहा है, आगे तक जाने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शन जारी है अभी तक। लगातार यहाँ पे हाथ में काले बलून लेके खड़े थे, उन काले गुब्बारों को भी उड़ाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे इनसे हम बात, इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका आचरण सही नहीं है। तो क्या पीत भूषण और पिदूड़ी और पिंज के जो मंत्री हैं उनको भारत में मिलना चाहिए? आप आहत हुए हैं काफी। मैं बहुत आहत, यहाँ भाई प्राण निकलने ज्यादा बदतर जिंदगी है। जब आप अपने ही देश में निकल नहीं पाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे, शासन प्रशासन हमको धक्का देगा तो क्या इज्जत रह गई भगवे की? औकात रह गई? यही बात तो वो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, निकल नहीं पाएंगे। सच में भाजपा में हिंदू खतरे में है? कहाँ निकल पा रहे हैं? कहाँ निकल पा रहे बताओ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं भगवादारी नहीं हूँ? क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? क्योंकि आप खड़े हो धूप में, आपको धक्का मिलवाए ऐसे बेशर्मी बड़ा जनता। जिस तरह आपसे ये सरकार भरोसा कर रही थी, भरोसा टूटेगा और कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग बैरिकेड तोड़ने तक पे आ गए हैं, बैरिकेड के ऊपर चढ़ चुके हैं यहाँ पे, फिर भी इन्हें रोका जा रहा है पुलिस वालों की तरफ से। यहाँ पे 191 जो सांसद बर्खास्त हुए थे उसी को लेके ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और लगातार यहाँ पे इन शख्स को भी देख सकते, कह रहे हैं जीतेंगे हमारे राहुल गांधी के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस वालों की तरफ से लोगों को पकड़ के लेके जाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे लोग बैरिकेड पे चढ़े हुए हैं, उनको रोका जा रहा है और यहाँ पे डिटेन करने के लिए बस भी लाई गई है और लगातार इन्हें पकड़ के डिटेन के लिए लेके जाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखते रहिए आगे क्या होता है। प्रदर्शन अभी तक जारी, डिटेन करने के लिए बस आगे डिटेन करके लेकर जा रहा है।